जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती मां वसुंधरा, पालन करती मां वसुंधरा, जग जीवन दुधि शत धारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है। आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना संपूर्ण जीवन जल चेतना की अलख जगाने के लिए समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण अभियान से जुड़े प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की। कई लोकप्रिय पुस्तकों के लेखक अनुपम सही मायनों में गांधीवादी और जल योद्धा हैं। उनकी पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब ने देश में पानी के मुद्दे पर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये पुस्तक जितनी रोचक है उतनी ही रोचक इसे लिखे जाने की कथा भी है। अनुपम मिश्र, अलग अलग मोड़ जीवन में आते हैं और हमको पता नहीं होता कि हम इस मोड़ पे से मुड़ने के बाद कितनी दूर तक कैसी यात्रा पे जाएंगे, वो कितनी भव्य होगी, कैसी होगी। मैं कुछ पढ़ाई लिखाई पूरी करके गांधी शांति प्रतिष्ठान नाम की एक संस्था में पिताजी के कारण, जो गांधीवादी थे, आप में से कुछ ने उनका नाम भी सुना होगा, मध्य प्रदेश के और हिंदी के कवि की तरह भी उनको बहुत प्यार मिला समाज का, भवानी प्रसाद मिश्र। तो वो शांति प्रतिष्ठान से परिचित थे, वहाँ पर कोई एक छोटी मोटी नौकरी उसमें से मिल गई हम लोगों को, और फिर ये बातचीत चली कि क्या काम करोगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ लिखने पढ़ने के काम में इनकी दिलचस्पी है। 1970 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ साथी के कहने पर वे एक चिट्ठी पहुंचाने के मकसद से पहली बार राजस्थान पहुंचे। हवनी पधारो मारे देश, देश रे, हवनी पधारो मारे देश, केसरिया बहल में हो, तो जिस इलाके में मैं गया वहाँ जाकर मैंने चिट्ठी जिस वरिष्ठ गांधीवादी को देनी थी उनको दे दी, और शाम को गाड़ी थी वापस। उन्होंने कहा तब तक तुम आसपास घूमो। तो घूमते हुए मैंने उसी उनका जो बड़ा घर था जिसमें वो रुके थे मेहमान की तरह, कोई संस्था का सार्वजनिक, वहाँ एक अजीब सा ढांचा देखा, जैसे अपने घर के बीच में आंगन होता है तो आंगन था, पर आंगन बिल्कुल समतल नहीं था, थोड़ा सा तिरछा था, एक ढाल लिए हुए, और उसके कोने में एक टांका बना था, उस पर एक ढक्कन था लकड़ी का, और उस पर सुंदर पीतल का ताला भी लगा था। तो मैंने कहा कि ये तो खेलने कूदने के लिए आंगन तो तिरछा कोई बनाएगा नहीं, ये क्या चीज़ है, और फिर ये टांका क्या है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा पीने का पानी इकट्ठा होता है, जल संग्रह, इसमें क्यों करते हो। मुझे लगा कहीं से नल आता होगा इसमें जाता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वर्षा का पानी आता है छतों पे से, छतों पे से आंगन में, आंगन में से इसमें भीतर छन के जाता है फिल्टर होके, और उसके बाद फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कब तक? तो उन्होंने कहा जब तक ये रहता है। फिर एक वो जो आदत होती है कि कितने दिन का पानी, तो उन्होंने कहा अरे भाई एक साल का पानी, कितने दिन का क्या, एक बरसात का पानी अगली बरसात तक हमको पुरा सके ये व्यवस्था, ऐसा इंतज़ाम होता है। इस विचित्र विधि से क्यों रोकते हो? तो उन्होंने कहा नीचे सब खारा पानी है। मैंने पूछा था कि कुएं? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कुओं में सब में खारा पानी पी नहीं सकते। ये समझ में आया कि पानी की कमी के इलाके में लोग पानी के अभाव को अपने कर्तव्य को निभाकर कैसे उसको एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। शाम की गाड़ी थी लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने अड़ोस पड़ोस के सारे घर देख डाले। उन्होंने पाया कि टांका हर घर में मौजूद है, बस घर के साथ उसका आकार बदल जाता है। मुझे बराबर अपने
दिल्ली के इलाके की, मध्य प्रदेश के इलाके की, जिन जिन जगहों पर मैं पला बढ़ा उन सब इलाकों की याद आने लगी कि वहाँ कितना पानी गिरता है, गिरते ही नाली में बहता है, यहाँ पर इसमें जाके रुकता है। राजस्थान की जल संरक्षण प्रणालियां उनके लिए आकर्षण और अध्ययन का विषय बन चुकी थीं। कार्यालय में सामान्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब भी राजस्थान का कोई काम निकलता तो अनुपम स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी ले लेते। राजस्थान का उनका निजी अनुभव लगातार समृद्ध होता जा रहा था। फिर एक आध बार मैंने जो हमारे सचिव थे उनसे बातचीत की कि ये काम तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि तुमको जब जाना हो, ये तो बहुत गांधीवादी बात है संसाधनों के ऐसे उपयोग की, सामाजिक भागीदारी की, तो तुम कभी भी निसंकोच चले जाना, इसमें कोई खर्च की चिंता नहीं। फिर वो बीच में उदारतापूर्वक पूछते थे प्रगति कि और क्या समझा, और क्या समझा। हर यात्रा से लौट के मैं उनको कुछ नई बातें बताता था, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सब लिखना शुरू करो। और फिर हमारे जो उदार मंत्री थे वो नाराज़ भी होने लगे कि इसको कब लिखोगे, तो मैं कहता अभी पूरी जानकारी नहीं। तो कहते थे कि तुम पूरी जानकारी के बहाने न लिखने का काम चोरी करना चाहते हो, लिखो, अब जल्दी लिखो, लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए, इतनी अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने धक्का मार मार के ये किताब लिखवाई। अनुपम मिश्र द्वारा लिखित तथा गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब का पहला संस्करण 1993 में बाजार में आया, किंतु बाजार के नियमों के विपरीत लेखक ने इसे कॉपीराइट के दायरे से बाहर रखा ताकि इसे किसी भी रूप में उपयोग कर तालाबों के प्रति समाज में सही सोच विकसित की जा सके। इस पुस्तक ने देश को अपने जल स्रोतों का महत्व तो समझाया ही, साथ ही एक सार्थक बहस को भी जन्म दिया। गुजरात के हीरा व्यापारियों ने इस पुस्तक से प्रभावित होकर अपने पूरे क्षेत्र में जल संरक्षण की मुहिम चलाई। राजस्थान में हजारों पुरातन जल स्रोतों की सुध ली गई और जगह जगह तालाब बचाओ आंदोलन आरंभ हुए। जल संग्रहण के मामले में राजस्थान जैसे दक्ष और मेहनती समाज के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं, जिन्होंने असाध्य श्रम और सामुदायिक पहल के बूते पर मरुभूमि को पानीदार बना दिया। इस समाज की जीवटता को अनुपम महाभारत काल के एक प्रसंग से जोड़कर देखते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति का प्रसंग है और भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में ये सब पूरा करने के बाद वापस द्वारका लौटना है। आज भी हम नक्शे पर अगर उस का रास्ता बनाकर देखें तो वो जैसलमेर होकर ही जाता है, तो उस समय भी वही भूगोल रहा होगा। यहाँ से निकलते हुए जैसलमेर के पास उनको उत्तुंग ऋषि तपस्या करते मिले और इनके आने पर उन्होंने बताया कि भाई आप इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ आप वर मांग लीजिए। उत्तुंग ऋषि सचमुच बड़े ऊंचे स्वभाव के रहे होंगे, हम बहुत छोटी मोटी चीज़ें मांग बैठते हैं भगवान से। इन्होंने कहा तो मेरी इच्छा ये है कि ये जल के अभाव का क्षेत्र है, यहाँ जल का अभाव न रहे, तो उन्होंने तथास्तु कहा। अब भगवान ने वरदान दिया कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी। इसके बाद कोई और समाज होता तो निकम्मेपन को वो ढाल बना लेता कि भगवान का वरदान है, पानी वो ही देगा, हमें क्या करना है। वरदान को उन्होंने वरदान की तरह न लेकर कर्तव्य में बदला। उन लोगों ने इतने तरह तरह के काम निकाले उसमें से फिर, और ये सब जिसको आज हम वर्षा जल संग्रह कह रहे हैं 10-20 साल से, उसके 1000-2000 साल पुराने नमूने हैं और आज तक वो जारी हैं। पानी कुछ इलाकों में तो 1 इंच से कम गिरता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं जाने देना, उसको रोकना। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी परंपराएं मिटी नहीं हैं, मिटी हैं, लेकिन नए प्रॉमिस आए हैं। नई राजनीति ने कहा है कि हम नहर का पानी लाके दे देंगे, पंजाब हिमालय से पानी ले आएंगे, वो इलाके नष्ट भी हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी खारे पानी के कारण मीठे पानी के संग्रह की एक समृद्ध परंपरा है और वो बराबर चलती चली जा रही है।
आज भी खड़े हैं तालाब में, अनुपम मिश्र ने लिखा है कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी, बनवाने वालों की तो दहाई थी, बनाने वालों की ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। अंग्रेज जब यहाँ आए हैं तो उनको हर चीज़ की गिनने की आदत है, और थोड़ा नया इलाका है इसलिए शायद उन्होंने गिनती भी कर ली, तो 25 लाख तालाब 5 लाख गांव के देश में उन्होंने काउंट किए हैं। और उस समय हमारे देश में कोई सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं है, तो ये कौन बनाते थे? गांव के लोग बनाते थे, शहर के लोग बनाते थे। कोई कॉलेज नहीं है इसका पढ़ाने वाला, जल प्रबंध का संस्थान नहीं है, लेकिन जल का प्रबंध है। तो ये परंपरा हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है, और राजस्थान उसमें बहुत बड़ी मदद करता है समझने में। अनुपम जल संरक्षण की स्वदेशी तकनीकों के पक्षधर हैं। जल संबंधी देशज ज्ञान को भुलाकर हम पश्चिम में उपजे समाधानों की ओर ताक रहे हैं, लेकिन स्वदेशी तकनीक से हम न केवल पीने का पानी जुटा सकते हैं बल्कि सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। राजस्थान ने जल संग्रह की ये जो परंपरा अपनाई, उसने ये बताया कि ये समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध परंपरा है। ये दो शब्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। समय सिद्ध यानी किसी भी समय में ये काम देगी। पहली शताब्दी में भी अगर बने तालाब हैं, उससे पहले बने हैं गुजरात में धौलावीरा, 5000 साल तक का इतिहास जाता है। अब उसको पुरातत्व विभाग ने बड़े मेहनत से खोद के निकाला है तो पता चलता है कि धुत कच्छ के नमकीन हिस्से में कैसा बड़ा तालाब रहा होगा, शहर उसके चारों तरफ क्या व्यवस्था होगी पानी की। तो यही सब आपको राजस्थान में मिलता है। सचमुच अगर हम देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश में एक परंपरा रही है जल संग्रह की, और वो बिना टूटे अंग्रेजों के समय तक तो चली है। शासन का जो भी तंत्र रहा उसमें राजा और प्रजा के बीच में अच्छी जुगलबंदी चली है, दोनों में से कोई भी एक बेसुरा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ऐसा अभियान है कि इसमें एक भी थोड़ा सा कम हो जाए तो पूरा ढांचा गिरता है। हम इस ढांचे को कैसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं, इस विषय पर अनुपम मिश्र की बात जारी रहेगी अगले अंक में भी। तो सुनना याद रखिए, अगले सोमवार को इसी समय इसी चैनल पर रही मन पानी राखिए। जल है।